तो अभी हम पहुंचे हैं ठोकर न्याज बेग का इलाका है, न्याज बेग टाउन। तो यहाँ पर सनी भाई का प्रोग्राम बन गया, एक बछड़ा खरीदने का। 30,000 के रहे ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त सीन है, सुभान अल्लाह। काले क्यों है भैया जी? भैंस के बच्चे हैं, काले इसलिए हैं। ये आपने रंगीन वाला लेना है या ये वाला लेना है? व्हाइट लेना है, व्हाइट। सनी भाई ओ भाईजान मार देगी खुदा का वास्ता, जाने दे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे और जहां जहां भी होंगे अपने घर में बिल्कुल खुश होंगे। आज का प्रोग्राम है, आज मैंने आपको ना अपने एक फ्रेंड का बर्ड सेटअप दिखाने लेके जाना है। अच्छा, तो इंशाल्लाह वैसा ही हमने बनाना है वो। हाँ ठीक है, बर्ड सेटअप बड़ा जबरदस्त बर्ड सेटअप है। आप कह रहे थे मैं शेर लाऊंगा, तो कभी बगले लाऊंगा तो कभी कुछ लाऊंगा, अब आप परिंदों पे आ गए हैं। नहीं, परिंदे भी लाएंगे और चीजें भी लाएंगे, दूसरी बगले वगैरह भी लेने हैं। ठीक है, थोड़ी सर्दी कम हो जाए ना, सर्दी बहुत ज्यादा है। चलें, बीमार ना हो जाए। यार मैं चाह रहा था कोई इस तरह का सेटअप बने के जो ना हम इस तरह ही, जिस तरह हमारी ओपन चीजें फिरती है ना ओपन माहौल के अंदर, तो इसी तरह जरा मजा आता है इनको देख के। अब लेकिन सनी भाई कह रहे हैं वो हमने को लेके आने परिंदे वगैरह, फिर वो तो यार खुडो वाली चीजें हैं, वो मेरी लाइक मैं नहीं लाइक करता उसको। तो ये अगर जो सनी भाई कह रहे हैं, फिर सनी भाई से भी मशवरा कर लेते हैं क्या चाहते हैं। सनी भाई आप मुझे सेटअप दिखाएंगे फिर आज जाके? जी इंशाल्लाह, व्यूअर्स ने हमारे साथ रहना है, पूरा व्लॉग देखना और हमें बताना है कि हम क्या लेकर आए। तो दोस्तों दाना वगैरह हमने इसमें डाल दी है, अपने रैबिट्स वगैरह को और हैंस वगैरह को, जो भी इनकी फीड थी वो सनी भाई ने डाल दी है, मुकम्मल हो गया प्रोसेस ये वाला। तो अभी सनी भाई का कोई प्रोग्राम है आज का, चले 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 जल्दी करें। दोस्तों अभी हम जाने लगे हैं, जो सनी भाई के जो फ्रेंड हैं उन्होंने बहुत सारे पैरट्स वगैरह रखे हुए हैं, बहुत नयाब किस्म के, तो वो देखने के लिए हम जा रहे हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, फेसिंग पार्क है इनका और ऊपर छत के ऊपर इन्होंने बर्ड्स का सेटअप रखा हुआ है। तो अभी चलते हैं और वो देख लेते हैं सनी भाई का जो दोस्त है। दोस्तों परिंदों वाले सेटअप पर हम गए थे तो वहाँ पर तो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। अभी हम पहुँचे हैं ठोकर न्याज बेग का इलाका है, न्याज बेग टाउन। तो यहाँ पर सनी भाई का प्रोग्राम बन गया, एक बछड़ा खरीदने का और एक बाड़े के अंदर मुझे लेके जाने लगे हैं। तो अभी सनी भाई से भी मालूम लेते हैं क्या बछड़ा खरीदने का शौक पड़ गया इनको, हमारे पास ना जगह रखने की ना कोई मामला है। क्यों जी सनी भाई क्या शौक पड़ गया? मेरा बड़ा दिल कर रहा है तो अच्छा। इनसे जरा पूछते हैं। जी जी, तो जगह हमारे पास है छत पे, मैं जगह का अरेंज कर रहा हूँ। काला वाला बछड़ा लेना या दूसरा रंगीन वाला बछड़ा लेना? पूछता हूँ ना प्राइस के हिसाब से क्या है। ये देखें दोस्तों तूड़ी वगैरह भी यहाँ पर रखी, सारा चारा गायों का रखा हुआ ये देखें। और ये माशाल्लाह इसके ओनर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हो? फिर हमने खरीदना है, गाइड कर। ठीक है, तो ये देखे जी बाड़े में हम एंटर हो चुके हैं और सारा बाड़ा ही देखे भैंसों से भरा हुआ है और बछड़ों से भरा हुआ है माशाल्लाह। ये मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ करीब से ही देखें। और इनके ये खाने पीने का इस वक्त टाइम चल रहा है। ध्यान से, ये शिट्स हुई है भाईजान, ध्यान से ध्यान से। ये देखे जी, ये देखे माशाल्लाह कितना जबरदस्त सीन है, सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह लात दात बछड़े ये देखे। सनी भाई कौन सा लेना है इनमें से, बताएं जल्दी से। यार ये पसंद आ रहा है कोई आपको? सारे बड़े प्यारे हैं, सारे ही माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, हकीकत बात है। यार ये काले क्यों हैं? ओ भैया जी भैंस के बच्चे हैं, काले इसलिए हैं। ये आपने रंगीन वाला लेना है या ये वाला लेना है? व्हाइट लेना है, व्हाइट। व्हाइट लेना है, व्हाइट। अच्छा, इनमें तो भैया व्हाइट कोई भी नहीं है, देखें सारे ही काले हैं। आप ना एक काम करें, इनको ना रंग वाली दुकान पे ले जाकर ना कोई डब्बा पसंद करें और इनको ना रंग करवा लें अपने मतलब का। मैंने तो यही मशवरा दिया जी सनी भाई को, देख लें ये इनकी कीमत क्या है, कितने का मिलेगा हमें देंगे? एक 30,000 का हो गया भाईजान। बड़ा का दूध भी तो देगा ना। मुर्गी भी 650-650 रुपए किलो है। शायद वैसे हैं बड़े प्यारे माशाल्लाह। यार सारे खूबसूरत, अल्लाह ताला नजर न लगाए माशाल्लाह। ये देखें जी, ये देखें जबरदस्त। अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ 3-4 खरीद लें यहाँ से ना, यकीन करें बड़ी। हाँ बड़ी पे दिहाड़ी लगाते हैं, मैं तो कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ आपको। संभाल लेंगे 3-4। और भाईजान जब इकट्ठे होंगे ना संभाल लेंगे, सिंगल होगा ना वो बड़ा तंग करेगा। पूछे कितनी जगह चाहिए इनके लिए, लेना भी है और तंग भी करेगा। यार ये मुझे समझ नहीं आती आपकी बात। पूछे कितनी जगह चाहिए, कमरे में आ जाएगी भाईजान? तो आपने देखना आपने कितनी जगह में रखना है, उनसे हम क्या पूछें? वो तो आपको कहेंगे कि ले जो सही है। नहीं पहले ऊपर हम अपना कमरे का अरेंज करें ना, ऐसे नहीं है, सर्दी बहुत है। तो मैं भाईजान आपको यही तो कह रहा था चलने से पहले, पहले अपना बंदोबस्त तो कर लें। आप कह रहे थे नहीं जी नहीं, मुझे ले दें मुझे ले दें। ये कोई मुर्गी थोड़ी है जो आप कहेंगे जी मैं ले जाऊं और जहाँ खुटे में बंद कर दूं ले जाके। इसको भैया फजर के बाद चारा डालना पड़ता है, आपको पता है इतना? तो दोस्तों ये जो बछड़े हैं ये तो सनी भाई को जो उनसे ना अभी समझ नहीं आ रही, लाइट आज अंधेरा अंदर, कि इसको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। देखें कितने माशाल्लाह बछड़े। सनी भाई कौन कौन सा ले निकालूं इसमें से, बताएं मुझे? इसमें से अभी कोई ना निकाले, कोई ना निकालूं? नहीं
इनके लिए तो लैदा से बनाना पड़ेगा हमें, जाहिर बात है मास्टर केज में नहीं आने वाली है, और दे भी 30,000 के रहे हैं। ओ भाई जल्दी ध्यान यार, सरी भाई यहाँ पे अभी से डर रहे हैं यार, ये कोई बात तो नहीं ना इस तरह। ये देखें इस तरह का भाई जन, आपको होश भी बनाना पड़ेगा इनका पानी पीने के लिए। यार काम तो बड़ा है वैसे, मैं कह रहा था ना इतना बड़ा मुर्गा दिखाऊंगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो ये है, ये देखिए वो बैठा हुआ है माशाल्लाह जी। ए मुर्गी जनाब, मुर्गी अच्छा भाई जनाब, लस्टर चेक करें माशाल्लाह इसका, उसकी चमक चेक करें माशाल्लाह से, देखें जरा जबरदस्त, सुभानअल्लाह क्या बात है जी। तो भैया ये मुर्गा ले लें मेरी वाला, आप बात करें ना, वो देते हैं तो ले लेते हैं। जैसे कितने का ये मुर्गा? 10,000 रुपये भाई जान, 10,000 रुपये का मुर्गा ये कह रहे मिलेगा ये वाला? चीज भी तो देखे कमाल, 10,000। मैं कह रहा हूँ उसका लस्टर देख के मजा आ गया, यकीन बिल्ली नहीं आएगी पास। क्या मैं कह रहा हूँ, बिल्ली क्या कुत्ते भी नहीं गली में आएंगे, यकीन करें इसको। अब लेके जा रहे हैं जी सनी भाई हम एक बछड़ों के फार्म में, और लेके जा रहे हैं जो कि रंगीन बछड़े हैं। तो ये देखें जी एक और बाड़े में हम यहाँ पर मौजूद है, तो ये देखें ये भाई जन कितने खूबसूरत, भाई वाइट है लेकिन ये पूरे वाइट नहीं है खरगोश की, पूरे वाइट नहीं होते भाई जन, ये अल्लाह ताला की कुदरत है, देख लें ये गाय के बच्चे बछड़े हैं। हाँ जी गाय के बछड़े हैं, जबरदस्त, ये देखिए कितना प्यारा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह, बहुत प्यारा है, क्या बात है जी सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा है। इसकी क्या कीमत है? 50,000। ये 50,000 का दे रहे हैं? 50,000 का, 50,000 का। इसकी उम्र भी पूछे कितनी है, कितनी देर का? ये 3 माह का भजन, 3 महीने का बच्चा, देख ले माशा, रखने का भी मजा आएगा। ये वैसे ये रखा जा सकता है। हाँ। और ये पता है इतनी ऊंची जंप है, लगा लगा के भागता ही है ये, रोज सात लोग छत पे चला जाए जंप लगा के। नहीं ये इतनी भी नहीं, खैर बात सात लोग की ज्यादा, बहुत ऊंची दीवारें हैं भजन। ये देखे जी मैं आपको सारी माशाल्लाह गाय दिखाता हूँ इनकी, ये देखो जबरदस्त सुभान अल्लाह। अब सनी भाई से पूछते हैं, अगर पसंद आता है तो फिर ले लेंगे इनसे। ये सनी भाई क्या प्रोग्राम है? शायद भाई ये वाला जो बड़े वाला ना ये ज्यादा पैसे मांग रहा है, ज्यादा पैसे मांग रहा है। हाँ, पीछे वाला सही था लेकिन उसकी काली थी, हमने लेनी वाइट है। तो भाई जान आपको अपनी रेंज बताएं, ये कोई बात थोड़ी है यार, आप अपनी रेंज बताएं। नहीं नहीं आप अपनी रेंज बताएं भाई जान, मुझे लगता है इससे पता चल गया हमने वाइट लेनी, इससे ज्यादा रेट बता रहा है। 50,000। 25,000 लगा दें आप, 30,000 लगा दें। चलिए अब्बू से बात करते हैं, जैसे अब्बू कहते हैं ना फिर उस तरह। अब्बू से पूछ ले पहले, मशवरा कर ले घर में, अम्मी से भी भाई, मुझे डंडे ना पड़वा देना घर में कहीं आगे। आप अंडे भी ले गए मुर्गियों के, मैं आज उठा कर अंडे नहीं भूल रहे आप। हाँ। चले फिर निकले जल्दी करें भाई, जल्दी करें सनी भाई, चले तो सही तरह आप डेडी में होके कुछ चल रहे हैं भाई जन। ये क्या हुआ? सारा पांव को आपने मेरे वो उनके शिट लगा दी है, गोबर लग गया जी भाई जन। ये इधर ये बजरी रखी है या मिट्टी है ना उसके ऊपर रगड़ लें आप, यही करें, मेरे भी सारे बूट भर गए हैं देखें ये सनी भाई। ओ भाई जान मार देगी खुदा का वास्ता, जाने दे आप, पूछ तो ले पहले यार क्या हो गया। यार अभी सनी भाई को देखें, टक्कर पड़ने लगी थी इसे भैंस से, कितनी माशाल्लाह हैवी भैंस है। और सनी भाई इसके ऊपर सैर करने के लिए ऊपर ही बैठने लगे थे, लेकिन ये जनाब इनको उसने ऐसे गुस्से से देखा और सनी भाई पीछे हो गए। सनी भाई इसकी सैर करा दूं आप? नहीं भाई एक बात का आप मुझे आज लाजमी जवाब दें यार, आप कट्टे तो लेने के लिए यहाँ पर आ गए फार्म पे? जी जी पूछे। ठीक है, ये कट्टा जो है भाईजान काला क्यों होता है? लेकिन दूध सफेद पीता है लेकिन होता है काला, इसका जवाब दें। कट्टे काले इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी अम्मी काली होती है। अम्मी काली होती है जी, इसलिए कट्टा भी काला होता है जी बिल्कुल। तो ये ब्राउन कहाँ से निकलाते हैं और फिर सफेद कहाँ से निकलाते हैं? ब्राउन होती है। अच्छा जी बिल्कुल। ठीक हो गया जनाब, वो देखे गुस्से से आपको देख रही है सनी भाई, इधर हो जाए सनी भाई, इधर हो जाए सनी भाई, इधर हो जाए सनी भाई। चले यार फिर चले, बहुत देर हो गई है भाईजान, चले चले अबू से और अम्मी से पूछ लें फिर, ये ना के भाई हमें झाड़े पड़े हैं बेमकसद यार, फिर आप पहले पूछ ले। बिस्मिल्लाह चलें जी। तो दोस्तों बाड़े से हम निकल आए हैं, उन्होंने मुझे अंडे भी नहीं दिए जो मैं सुबह जो अंडे देने थे, बड़ी मेरे साथ इन्होंने नाइंसाफी की है सनी भाई। जी जी यार ये अच्छी बात नहीं है, देख लें अंडे जो है ना वो आप बिल्कुल नहीं भूल रहे सुबह के भाई जान। आपने इसी गाड़ी के अंदर बैठ के मुझे कहा था कि आपको अंडे भी शेयर करूंगा, अब आपका जब सेटअप बन गया सारा कुछ हो गया तो आप मुझे शेयर नहीं कर रहे, देख लें। कट्टो का क्या बना भाई जन? कट्टो का वो अम्मी से बात करते हैं अबू से, तो ऊपर अगर कमरे की परमिशन देते हैं तो फिर हम लेते हैं वो भी इंशाल्लाह, वो ब्राउन वाला लेंगे। तो आज के व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, अपने होस्ट शाही नसीर को दीजिए इजाजत और अपने होस्ट सनी भाई को भी दें इजाजत, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।